हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट। बीएससी इज थर्ड ईयर सेकंड सेमेस्टर। जो आपके टॉपिक रेनफेड एग्रीकल्चर में आज आपके टॉपिक लेक्चर टॉपिक है मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिस टू इंक्रीज इनफिल्ट्रेशन एंड रिएक्शंस वाटर लॉस एंड रन ऑफ। यानी इसमें आप देखते हैं कि रेनफेड एरिया एंड ड्राई लैंड एरिया में जो मॉइस्चर लॉस एंड रन ऑफ वाटर कंट्रोल के लिए हमें इस तरीके से कुछ प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे कि वहां पे सॉयल में फील्ड की इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी इंक्रीज हो, बढ़े, जिससे वहां पे हम वाटर का यूज अच्छे तरीके से कर सकते हैं मॉइस्चर को, नमी को इंक्रीज करने के लिए। इसलिए आज के टॉपिक में जो डिफरेंट ऐसे पॉइंट्स हैं जो वाटर लॉस एंड रन ऑफ कंट्रोल के पर्पस से इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी फील्ड की बढ़ाने के लिए हेल्प मदद करते हैं, वो फैक्टर्स वो पॉइंट्स उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट है बंडिंग के अंतर्गत आप जो देखते हैं कि सबसे पहले जो फील्ड की एक 90 डिग्री पे जो हम बेंड मेन को बनाते हैं, बंड को वहां पे बनाते हैं, इससे ये होता है कि जब रेनी सीजन में वाटर फील्ड में कलेक्ट हो और वहां पे जब वाटर कलेक्ट होता है तो रन ऑफ कंट्रोल भी होता है और उस वाटर का यूज आप जो देखते हैं उस फील्ड में वहां पे इन्फिल्ट्रेशन रेट जब बढ़ेगा तो स्वयं मॉइस्चर कंजर्व होगा ताकि हम ड्राई लैंड फार्मिंग में क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छे तरीके से कर सकते हैं, फसल का उत्पादन अच्छे तरीके से ले सकते हैं। जो कि इसके लिए फार्मर आप जो देखते हैं जैसे पहली रेनफॉल पहली बरसात होती है रेनी सीजन में तो अपने फील्ड के चारों तरफ बंडिंग करते हैं जिससे कि वाटर वहां पे स्टोर हो सके ताकि वहां पे इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़े। एंड एक दूसरा है टीलेज ऑपरेशंस में आप देखते हैं कि जब समर प्लानिंग करते हैं तो समर प्लानिंग में डीप प्लानिंग करनी चाहिए, गहरी जुताई करनी चाहिए जिससे वहां पे आप देखते हैं कि ड्राई लैंड एरिया में जो सॉइल पार्टिकल्स है टूट करके अलग भी होते हैं और जब समर प्लानिंग करते हैं तो उस कंडीशन में वहां पे डिजीज यानी रोग एंड इंसेक्ट पेस्ट एंड वीड्स कंट्रोल होते हैं, उसके साथ साथ वहां की सॉइल की स्ट्रक्चर भी बेटर होती है, उस कंडीशन में वहां पे सॉइल में इन्फिल्ट्रेशन रेट जो रेनी सीजन का है इन्फिल्ट्रेशन रेट वाटर का वहां पे होता है, जो फील्ड में वाटर इन्फिल्ट्रेट होकर के उस कंडीशन में मॉइस्चर को इंप्रूव करता है। एंड नेक्स्ट मल्चिंग आपका मेन इंपॉर्टेंट होता है। वैसे जितने भी आपको टॉपिक इसमें हम बता रहे हैं ये आपके क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे 1 मार्क्स 2 मार्क्स ये इस तरीके से आपको उसमें शॉर्ट नोट टिप्पणी के रूप में उसमें पूछे जाते हैं, पुटअप होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आप जब बताते हैं हम वहां पे डिस्क्राइब करते हैं उसके बारे में तो उसको आप अच्छे तरीके से रिजल्ट सुना भी करिए ताकि उस समय आप क्वेश्चन को लिख सके एग्जामिनेशन पीरियड में। बंडिंग हो गया, टेल ऑपरेशन हो गया, मल्चिंग हम फील्ड में इसलिए करते हैं कि वहां की जो फील्ड जब रेनी सीजन में जो मल्चिंग करते हैं तो रेन ड्रॉप जो वर्षा की बूंदे होती है फील्ड पे जो मल्च है एक कवर्ड के रूप में है, एक वहां पे लेयर के रूप में है,
जो डायरेक्ट रेन ड्रॉप उस पर नहीं पड़ती है, जिससे कि सॉइल इरोजन भी कंट्रोल होता है और जो वाटर है वहां पर अच्छे तरीके से कंजर्व भी होता है, यानी इन्फिल्ट्रेट भी होता है और मॉइस्चर कंजर्वेशन उस फील्ड की अच्छी हो जाती है। इसलिए मल्चिंग से रिलेटेड आप जो देखते हैं कि डिफरेंट प्रोसेस करना चाहिए और टाइप्स ऑफ मल्चिंग, कितने टाइप की मल्चिंग होती है उसके बारे में भी नोट कर लें। टाइप्स ऑफ मल्चिंग में आप ध्यान देना कि फर्स्ट है सॉइल मल्च या डस्ट मल्च। सॉइल मल्च या डस्ट मल्च, सॉइल मल्च के रूप में जो देखते हैं ऊपरी सतह जिसको कि हम खुरस्ते में जो डस्ट फॉर्म में होती है, जो कि जो रन ऑफ वाटर है वहां पे उसको कंट्रोल करता है, वो जो इन्फिल्ट्रेट होता है और सॉइल के मॉइस्चर को कंजर्व करता है, ये आपकी होती है वहां पे कि डस्ट मल्च या सॉइल मल्च। सेकेंड दूसरा है स्टबल मल्च। स्टबल मल्च में आप जो देखते हैं कि क्रॉप के हार्वेस्टिंग के बाद जो वहां पे उसके अवशेष पार्ट लीव स्टेम और जो रूट मटेरियल्स, ये सब को फील्ड में हम छोड़ देते हैं, यानी ऐसी कंडीशन आप जो देखते हैं कि जब क्रॉप की हार्वेस्टिंग करते हैं तो वहां पे सिर्फ ग्रेन को लेते हैं और बाकी जो प्लांट का अवशेष पार्ट है लीव स्टेम एंड उसके फ्लावर जो भी है उसको वहां पे अवशेष के रूप में छोड़ देते हैं, ताकि वो स्टबल मल्च का कार्य करता है सॉइल की सतह पे, वो एक स्टबल मल्च का कार्य करता है। नेक्स्ट नंबर थ्री स्ट्रॉ मल्च। स्ट्रॉ मल्च में हम देखते हैं कि जो क्रॉप को हम हार्वेस्ट करने के बाद उसकी थ्रेसिंग करते हैं, तो थ्रेसिंग करने के बाद ग्रेन को लेते हैं, उसके बाद जो उसका पार्ट होता है भूसे के रूप में, चाहे वो पैडी स्ट्रॉ हो या व्हीट गेहूं का भूसा हो, तो उसको हम फील्ड में लेयर बिछा देते हैं, जिससे देखते हैं कि वहां पे मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रोसेस होता है, जो मॉइस्चर यानी नमी को कंजर्व किया जाता है, उसे जो सन रेज है डायरेक्ट पृथ्वी पे यानी फील्ड पे नहीं पड़ती है, उस यानी वहां पे स्ट्रॉ या भूसा जो है उस पे पड़ती है, जिससे कि वहां पे जो अंदर सॉइल मॉइस्चर है उसका इवेपोरेशन नहीं होता है, इससे वहां पे स्ट्रॉ मल्च का इफेक्ट होता है। एंड नेक्स्ट प्लास्टिक मल्च। प्लास्टिक मल्च में आप तो देखते हैं कि जब सोइंग टाइम के समय में आप देखते हैं कि फील्ड में जैसे लाइन टू लाइन अगर सोइंग किए हैं, तो उसमें जो मेन है बंद है उस पे पॉलीथीन को बिछा देते हैं और जगह जगह पे आप देखते हैं वहां पे जहां डिस्टेंस के अकॉर्डिंग प्लांट को वहां पे सीड की सोइंग करते हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि वहां पे जो अंदर सॉइल में मॉइस्चर प्रेजेंट है जो प्लांट के लिए सीड अवेलेबल होना चाहिए, इसलिए उस पे जो अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती है तो इवेपोरेशन कम होता है, इसलिए जो वहां पे नमी है सिर्फ प्लांट के लिए अवेलेबल होगी, तो वहां पे पॉलीथीन मल्च इस तरीके से भी करते हैं, नहीं तो फील्ड में हम पूरे एरिया में पॉलीथीन की एक लेयर बिछा देंगे, उसे ये होगा कि वीट कंट्रोल भी होगा, जो वीट को उगने से रोकती है और मॉइस्चर को वहां पे कंजर्व करती है, पॉलीथीन मल्च होगी। एंड नेक्स्ट वर्टिकल मल्च। वर्टिकल मल्च में आप देखते हैं कि जैसे जहां पे स्लोप एरिया है उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए कि गड्ढे खोद करके उसमें हमें जो प्लांट के अवशेष पार्ट है लीव स्टेम उसको वहां पे डाल देना चाहिए, जिससे कि वहां पे जो मॉइस्चर है निचली सतह में कंजर्व हो सके, ऐसी एरिया में हम इस तरीके का जो मल्च का यूज करते हैं कॉफी के बागान में इस तरीके से वहां पे कर सकते हैं या गार्डनिंग के लिए वहां पे कर सकते हैं। ये आपका था वर्टिकल मल्च। वर्टिकल मल्च के बाद नेक्स्ट आपका है नंबर सिक्स केमिकल मल्च। केमिकल मल्च में आप देखते हैं जितने एग्रोकेमिकल्स होते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं उसको हमें वहां यूज करना चाहिए, जिससे कि सॉइल में प्रेजेंट
जो मॉइस्चर है ड्राई लैंड एरिया में उसका इवेपोरेशन न हो। तो यह था मल्चिंग, किस तरीके से मल्चिंग को शॉर्ट रूट में भी और टाइप्स ऑफ मल्चिंग जो हमने बताया उसका भी यूज कर सकते हैं, वहां पे उस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपका है यूज ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का यूज हम जब ड्राई लैंड एरिया में करते हैं या रेड फील्ड में, तो वहां पे जो प्लांट की रूट का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होता है, जिसे देखते हैं कि वहां पे रूट के आसपास जितने जो आपके एरेशन है वायु संचार होना चाहिए, वहां पे जो कोर स्पेस है उसमें जो रन ऑफ वाटर है फिलअप कर लेते हैं और इन्फिल्ट्रेशन रेट वहां पे बढ़ जाता है, जिससे मॉइस्चर कंजर्वेशन अच्छे तरीके से होता है। नेक्स्ट यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर का वहां पे जब हम यूटिलाइज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो जो सॉइल का टेक्सचर और स्ट्रक्चर चेंज होता है, जो कि वहां पे जो रन ऑफ वाटर है वहां पे आगे न जाकर यानी रन ऑफ वाटर कंट्रोल होता है और वहां पे निचली सतह में जब जाकर के इन्फिल्ट्रेट होता है, जिससे कि वहां पे मॉइस्चर कंजर्व किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट वहां की पॉपुलेशन भी बढ़ जाती है फील्ड की। एंड नेक्स्ट बाई यूज ऑफ सॉल्ट। बाई यूज ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का उपयोग वहां पे करते हैं जहां पे क्षारीय भूमि है, अल्कलाइन सॉइल है, ऐसे कंडीशन ना तो लगते हैं कि सॉल्ट का वहां पे आप यूज करते हैं, तो रन ऑफ कंट्रोल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन वहां पे उस फील्ड में होता है। एंड नेक्स्ट मेथड ऑफ सोइंग। मेथड ऑफ सोइंग में आप इस तरीके का सोइंग वहां पे करें कि फॉरो सोइंग करें, लाइन सोइंग करें, ताकि वहां पे जो रन ऑफ वाटर है वो जाकर के कलेक्ट होगा और फरो में जब कलेक्ट होता है बीच में, तो उस कंडीशन में फील्ड में इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ता है, जिससे कि मॉइस्चर कंजर्वेशन होगा, जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए फसल उत्पादन के लिए बेटर होगा। नेक्स्ट लेवलिंग ऑफ फील्ड। फील्ड का लेवलिंग करने से ये होता है कि उस एरिया में अगर स्लोपी एरिया ना हो, अगर स्लोपी एरिया होगा तो वाटर रन ऑफ वाटर वेस्ट होगा, बट वहां पे जब लेवलिंग होगी एक सरफेस सतह अच्छी होगी, तो वहां पे देखते हैं कि वाटर जो रन ऑफ है, रन ऑफ के द्वारा वहां पे उसका वेस्ट कम होता है और वहां पे उसको कंजर्व कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि वहां की हम इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ा सकते हैं। एंड नेक्स्ट नंबर 9 सिलेक्शन ऑफ कवर क्रॉप्स। ऐसे वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए जो कि रनर के रूप में, जो रनर के रूप में सतह पे एक कवर्ड कर सके, ढक सके, जिससे आपको वहां पे उसका यूटिलाइज इस तरीके से होगा कि जो सन रेस है वहां पे डायरेक्ट सॉइल की सतह पे नहीं होगी, और दूसरा जब रेनी सीजन में रेन ड्रॉप वर्षा की बूंदें डायरेक्ट सॉइल पार्टिकल्स पे नहीं पड़ेंगी, जिससे कि इरोजन कंट्रोल भी होगा और वहां पे इन्फिल्ट्रेशन भी बढ़ेगा उस फील्ड में। इसलिए सिलेक्शन ऑफ कवर क्रॉप करना चाहिए, कवर क्रॉप का सिलेक्शन वहां पे करना चाहिए। रन ऑफ कंट्रोल। रन ऑफ कंट्रोल के पर्पज से वहां देखें कि डिफरेंट जो हम फरो मेथड या वहां पे पिट मेथड उसका एप्लीकेशन करने से रन ऑफ कंट्रोल होगा, जो कि इन्फिल्ट्रेशन रेट फील्ड की बढ़ेगी। एंड नेक्स्ट इंक्रीजिंग रेट ऑफ सीड। जो सीड का नॉर्मल आप रेट यूज करते हैं, सीड का नॉर्मल वहां पे पैकेट देते हैं, तो उस तरीके से उनका, जैसे सपोज दैट वीट में, सॉरी पैडी में जो आप देते हैं, मान लीजिए आपका 100 केजी है, 80 केजी है, तो उसके हिसाब से, या मेज में आप जो देखते हैं कि अगर आप जो उसका 20 केजी आप देते हैं या 10 केजी देते हैं, जो भी आप वहां पे सीड रेट रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एरिया में थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। प्लांट पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो रन ऑफ कंट्रोल होगा, और बढ़ाने के साथ साथ एक निश्चित समय पे हमें थिनिंग कर देना चाहिए, जबकि प्लांट पॉपुलेशन जो अधिक है तो प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन करके स्पेसिंग के अकॉर्डिंग जो बीच में अनवांटेड प्लांट है उसको काट देना चाहिए, जो कि थिनिंग की प्रोसेस भी कर देनी चाहिए। नीचे ध्यान देना, थिनिंग आपकी जो प्रोसेस है वो आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, तो उसको भी आप वहां पे लिख सकते हैं।
स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग में देखते हैं पट्टीदार खेती करनी चाहिए जो कि डिफरेंट एरिया में आप जो देखते हैं स्नो के गार्डन वहां पे हमें पट्टियों के रूप में कल्टीवेशन करनी चाहिए, जो कि यहाँ पे ये स्लोप 2% मान लीजिए, यहाँ पे 5% है, यहाँ पे जो है कि 7%, तो धीरे 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 जो वाटर का फ्लो या रन ऑफ वाटर है वहां पे कंट्रोल होगा स्ट्रिप क्रॉपिंग करने से। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग को वहां पे अपनाना चाहिए, लेना चाहिए। एंड नेक्स्ट नंबर 13, ब्रॉडबैंड फरो, ब्रॉडबैंड फरो को वहां पे अपनाते जब हम सोइंग करते हैं, जैसा अभी सोइंग मेथड में आपको बताया, तो जब मेन बना के बीच में जो है कि जो एरिया आपकी छूट गई है उसमें वाटर कलेक्ट होता है, जो रन ऑफ वाटर वहां पे जब कलेक्ट होगा उस फील्ड में आप जो देखते हैं कि वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी और इन्फिल्ट्रेशन रेट अधिक होगा उस एरिया का। नेक्स्ट आपका है डीप फरो, वहां पे जो फरो हम बनाते हैं सोइंग टाइम के लिए सोइंग मेथड में, तो डीप सतह में बनाना चाहिए जिससे कि वाटर वहां पे ज्यादा रन ऑफ जो वाटर है कंट्रोल हो सके। एंड नेक्स्ट आपका है नंबर 15, ट्रांसपिरेशन कंट्रोल, उस एरिया में आप देखते हैं ड्राई लैंड एरिया अगर है तो वहां पे जो मॉइस्चर है उसका ट्रांसपिरेशन ना हो, या प्लांट में आप देखते हैं कुछ पार्ट से आपका उस तरीके से वहां पे ट्रांसपिरेशन कंट्रोल करना चाहिए। एंड नेक्स्ट नंबर 16, यूज ऑफ ग्रोथ रिटार्डेंट, ग्रोथ रिटार्डेंट का प्रयोग करना चाहिए जिससे आप देखते हैं कुछ एरिया में जब प्लांट की उसमें ग्रोथ अधिक होगी यानी रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा तो वहां पे रन ऑफ वाटर कंट्रोल भी होगा और उसके साथ साथ वहां पे देखते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन भी फील्ड में अच्छी होगी जो कुछ मॉइस्चर को कंजर्व करने में हेल्प होगा। नेक्स्ट इंटरक्रॉपिंग एंड मिक्स क्रॉपिंग, ऐसे एरिया में आप जो देखते हैं कि इंटरक्रॉपिंग अगर करते हैं तो उस फील्ड में जब हम दो क्रॉप का सिलेक्शन करते हैं, एक हाइब्रिड क्रॉप है एक उससे कम हाइब्रिड क्रॉप है, तो दोनों में आप वहां पे देखते हैं कि जो वाटर का यानी प्लांट पॉपुलेशन अधिक होगा, जैसे आप अगर हम डिस्टेंसिंग जैसे 40 सेंटीमीटर रो टू रो है, 40 सेंटीमीटर रो के बीच में अगर कोई क्रॉप नहीं है कोई प्लांट नहीं है तो वहां पे हम रन ऑफ कंट्रोल नहीं कर सकते। यह वहां पे हम देखते हैं कि जो मॉइस्चर कंजर्वेशन के पर्पज से वहां पे हमें रन ऑफ कंट्रोल अगर करते हैं तो सक्सेस हो सकते हैं वहां पे, तो उस बीच में कोई ऐसी क्रॉप का सिलेक्शन करें जो उस एरिया को फिल अप करे, तो वहां पे इंटरक्रॉपिंग करनी चाहिए। वही चीज मिक्स क्रॉपिंग, जो फील्ड में दो या दो से अधिक क्रॉप को सीड को मिक्स करके जब सोइंग करते हैं तो आपके मिक्स क्रॉपिंग यानी फील्ड में प्लांट पॉपुलेशन बढ़े। एंड लास्ट है कि मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग, मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग में आप वहां एक चीज ध्यान देना कि हार्वेस्टिंग के पर्पज से जब वहां पे हम उसको देखते हैं तो इस मेथड में फसल के कटने के बाद फील्ड में जो फील्ड में क्रॉप का रेजिडुअल पार्ट होता है, जो मटेरियल जैसे आपका रूट है या शूट जो शूट पार्ट, तो उसको हमें फील्ड में डालना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए और हार्वेस्टिंग के कार्य को थोड़ा सा क्रॉप की ऊपरी सतह से करना चाहिए जो कि वाटर जो वहां पे रन ऑफ होता है उसका कंट्रोल हो सके और फील्ड में इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ सके। तो आज के टॉपिक यही पे एंड करता हूं। जो टॉपिक आपकी थी मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिस टू इंक्रीज इन्फिल्ट्रेशन एंड रिएक्शंस वाटर लॉस एंड रन ऑफ, तो जितने भी हमने इसमें पॉइंट हमने बताया आपको वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स एंड शॉर्ट नोट्स इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको उसमें है जो आप अच्छे तरीके से नोट किए होंगे और एग्जामिनेशन पर्पस से तैयारी भी अच्छी कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे, नेक्स्ट क्लास फिर कल। दैट्स ऑल, थैंक यू।